बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड थ्योरम करेंगे। इसमें कहा गया है एनी टू एंगल्स हैं इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। कहते सर्कल की सेगमेंट के ऊपर कि दो जाविये हैं, ये बन गया सर्कल। सर्कल का कोई भी कटा हुआ हिस्सा उसकी सेगमेंट कहलाता है। सेगमेंट का मतलब है कटा हुआ हिस्सा, टुकड़ा। ये मैं कहता हूं ये हिस्सा है मेरे पास, ये कटा हुआ हिस्सा। या कोई उसने ये नहीं कहा कौन सा है, उसने ये कहा एनी टू एंगल्स हैं ऑन द सेम सेगमेंट। सेगमेंट ये मैंने ले ली है, कह रहे कि एक ही सेगमेंट के ऊपर सर्कल के कोई दो जावी बनाने हैं आपने। मैं इसका नाम देता हूं ए, इसका नाम बी। ये सर्कल का कोई हिस्सा है, कोई पार्ट्स है। कहते इस पार्ट्स के ऊपर आपने क्या करना है, ये तो सर्कल का कोई सेंटर ये होगा ना, ये सेंटर। कहता कोई दो आपने एंगल्स बनाने हैं, वो ये बताने हैं कि वो इक्वल है। आपको पता है दो एंगल इक्वल जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, ये है ना ये सेंटर। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये सर्कम एंगल कोई और बना ले, ये क्या है सर्कम एंगल, ये क्या है सर्कम एंगल। सर्कम एंगल इक्वल ही होती हैं। यहाँ से मैं सर्कम एंगल पे प्रूफ कर देता हूँ, कोई दो सर्कम एंगल लेता हूँ, मुझे पता है उनके एंगल इक्वल ही होते हैं। यहाँ से मैं फिर ड्रा कर लेता हूँ, ये इधर से इसे ज्वाइन किया, ये बन गया सर्कम एंगल। उसने कहा इसी सेगमेंट के ऊपर लेने हैं जो भी लेने हैं। अब ये मैं ड्रा करता हूँ, इधर यहाँ से ज्वाइन करना पड़ता है क्योंकि एक ही सेगमेंट के ऊपर, एक ही सेगमेंट के ऊपर मैंने क्या किए हैं, एक ही सेगमेंट के ऊपर टू सर्कम एंगल ले लिए हैं। ये ए बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, ए बी सी डी। ये सेंटर ओ था, ये सेंटर ओ था। चलें भाई, गिवन हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट देख लें। कहता कोई दो आपने जावी बनाने हैं जो एक ही किता दायरे पर वाक्य हों, एक ही कटे हुए दायरे के ऊपर हों, वो इक्वल होते हैं, ये आपने प्रूफ करना है। गिवन क्या है, गिवन में मुझे ये टू एंगल का पता है। एक एंगल है भाई ए सी बी, ए सी बी, एक है ए डी बी, एंड एंगल ए डी बी का मुझे पता है। ये क्या है आर डी सर्कम एंगल है, सर्कम एंगल। ये महसूर जावी है, पहले बता चुका हूँ ये फर्स्ट वीडियो में। तो सर्कम एंगल्स है, मान लीजिए ये सर्कम एंगल्स है। किस सर्कम किस तरह के सर्कम एंगल्स हैं जो एक ही दायरे के, एक ही दायरे के सेगमेंट के ऊपर वाक़ हैं, इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। यही स्टेटमेंट लिखा है, इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ है, विद सेंटर ओ। ये दो एंगल लिखे ना मैंने, ये क्या सर्कम एंगल्स है, इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, ये आपका गिवन है। टू प्रूफ, आपके पास मतलूब क्या है, जो आपने साबित क्या करना चाहते हैं, सब ये करना चाहते हैं दो एंगल्स इक्वल हैं, वो बता दिए सर्कम एंगल ही हो सकते हैं, ये एंगल और ये इक्वल है, ये हमने प्रूफ करना है। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी बी इक्वल है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए डी बी के, इक्वल है, ये हमने प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ से इसे ज्वाइन कर देते हैं सेंटर को ओ के साथ, इधर ओ को ए के साथ, ओ को बी के साथ, ये आपको पता है रेडियस बन गया। मुझे पता है ये जो एंगल रेडियस पे जो बनता है ना सेंटर पे, ये जो एंगल बनता है ये एंगल डबल होता है किसी भी सर्कम एंगल से, ये इससे डबल होगा। एक और एंगल में शो कर देता हूँ, ये एंगल इससे डबल है, एक से भी काम चल जाएगा। ये बता रहा हूँ ये इससे डबल है, ये इससे डबल है, ये
क्योंकि ये सेंट्रल एंगल सर्कम एंगल से डबल होता है। चलें ये काम देगा। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया है, जॉइन किया ओ को ए के साथ और बी के साथ। ये लिख रहे हैं यहाँ पे, जॉइन ओ विद ए के साथ एंड ओ विद बी के साथ, ओ को ए के साथ फिर ओ को बी के साथ। तो ऐसा करने से क्या मुझे मिला, मुझे ये सेंट्रल एंगल मिल गया, कोई सेंट्रल एंगल मिलेगा। ये दो वैसे बना दिए हैं ये बताने के लिए, इसे डबल है ये इसे डबल है। सेंट्रल एंगल मुझे मिल गया, मैं फिर यहाँ पे लिखता हूँ सो डैट, इस वजह से मुझे एक सेंट्रल एंगल मिल गया जिसका नाम है ए ओ बी। ए ओ बी इज द सेंट्रल एंगल है, इज द सेंट्रल एंगल है। जहाँ पे मैं इसकी बात करूँगा ए ओ बी की, तो आपने बता देना ये सेंट्रल एंगल है, या ये बता देना कि ये कंस्ट्रक्शन में बात हुई है। कंस्ट्रक्शन में सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, सेंट्रल एंगल की। कंस्ट्रक्शन में किसकी बात कर रहे हैं, सेंट्रल एंगल की। जहाँ पे मैंने बात की ना सेंट्रल एंगल की, तो मैं कहूँगा ये कहाँ पे बात हुई आपने बता देना, कंस्ट्रक्शन में हुई थी। कंस्ट्रक्शन में आपने ज्वाइन किया था ओ को ए के साथ, ओ को बी के साथ, तो जिससे हमें सेंट्रल एंगल मिला था। जब मैं कहूँ सर्कम एंगल की बात करूँ, ये सर्कम एंगल और ये, तो आपने कहना ये गिवन में बात, गिवन में सर्कम एंगल की बात हुई है, कंस्ट्रक्शन में किसकी बात हुई है, सेंट्रल एंगल की। ये अभी तक कोई मुश्किल काम नहीं। उसने ये कहा कि सर्कल के ऊपर कोई लाइन लाइन सेगमेंट है, उसके उस उसके ऊपर कोई दो जाविये बनाए जो इक्वल होते हैं। मैंने कहा वो सर्कम एंगल ही हो सकते हैं। फिर मैंने इसी सेगमेंट के ऊपर एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, इसके ऊपर ही रहना चाहिए, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये प्रूफ करने वो दोनों एंगल इक्वल हैं, ये प्रूफ करने वो इक्वल है। अब आए प्रूफ पे, अब हम इसे प्रूफ करते हैं। सबसे पहले प्रूफ में मैं एक लाइन लिखता हूं, स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क ए बी ऑफ अ सर्कल। यानी ये वर्ड उसने क्या बताया, उसने कहा ये सर्कल का जो आप सेगमेंट कह रहे हैं ये आपकी आर्क ही तो बन रहा है, ये भी बिल्कुल ठीक है। कहते हैं इस वक्त हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, सर्कल की ए बी आर्क के ऊपर। ये सारा का सारा काम जो हो रहा है, एंगल वगैरह, ये सारा कहाँ पे स्टैंड हो रहा है, ये सारा का सारा ए बी पे स्टैंड हो रहा है। यानी मैं कह सकता हूँ ए बी पे जो स्टैंड हो रहा है वो उसकी आर्क है, बिल्कुल भाई लिख सकता हूँ। चले यहाँ से मैंने एक आपसे पॉइंट लेना है, वो ये कंस्ट्रक्शन का पॉइंट लेना है। यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ एंगल ए ओ बी इज द सेंट्रल एंगल है, मैं ये लिखना चाहता हूँ। ये क्या लिखना चाहता हूँ, सेंट्रल एंगल है, सॉरी इज सेंट्रल एंगल। मैंने कह दिया है कि ए ओ बी इज द सेंट्रल एंगल है, इज द सेंट्रल एंगल है। तो मैंने कहा था सेंट्रल एंगल की कहाँ पे बात हुई है, अभी आपको बता दें सेंट्रल एंगल जहाँ पे कहूँगा। आपने कहना ये कंस्ट्रक्शन में बात हुई है, सामने फिर रीजन में लिख सकता हूँ ये बात कंस्ट्रक्शन में हुई है, ये मैं सीधा सेंट्रल एंगल पे गया हूँ। पहले सेंट्रल एंगल पे क्यों गया हूँ, मुझे पता है कि सेंट्रल एंगल इससे डबल होता है, इससे भी डबल होता है, इससे भी डबल होता है। इस वजह से डायरेक्टली मैं कहाँ पे चला गया हूँ, सेंट्रल एंगल पे चला गया हूँ। लेकिन पहले ये मैंने एक स्टेटमेंट बात की कि सारा का सारा जो काम स्टैंड हुआ है वो ए बी के ऊपर हुआ है, फिर मैंने सेंट्रल एंगल पे चला गया तो वो मुझे पता था कहाँ पे है, कंस्ट्रक्शन पे। अब सेंट्रल एंगल के बाद मैंने सीधा जाना है सर्कम एंगल के ऊपर, सेंट्रल एंगल से सर्कम एंगल के ऊपर जाना है, क्योंकि सर्कम एंगल से हम ये डबल होता है, इस वजह से इधर आने लगा हूँ। मैं यही एंगल लिखने लगा, ये दोनों जो एंगल है, ये पहले भी ये ऊपर एंगल ए सी बी, एक दूसरा एंगल क्या है एंगल ए डी बी आर दी सर्कम एंगल है, बिल्कुल। ये समझ लें मैं दोबारा पीछे वाली बातें लिख रहा हूँ, सर्कम एंगल्स है। तो इसके सामने क्या लिखना है, ये कहाँ पे बात हुई थी, गिवन में बात हुई है। सर्कम एंगल की कहाँ पे बात हुई, गिवन में।
अभी तक मैंने प्रूफ में पीछे वाली चीज़ें लिखी हैं, एक मैंने कंस्ट्रक्शन की उठा के ये बात लिख दी, ये बात मैंने उठा के कंस्ट्रक्शन की, ये सेंट्रल एंगल है उसके सामने ये मैंने लिख दिया, ये कंस्ट्रक्शन में बात हुई। उसके बाद मैंने सर्कम एंगल को लिख के कह दिया ये गिवन में बात हुई। सर्कम एंगल को मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि सर्कम एंगल से ये एंगल हमेशा डबल होता है, यानी अगर मैं इसके साथ ये एंगल लिखता हूँ ना, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी, ये डबल होता है किससे, इस सर्कम एंगल से, ए सी बी से। फिर मैं कह सकता हूँ यही एंगल डबल है किससे, भाई इस एंगल से भी, ए डी बी से, इससे भी क्या है डबल है, ए डी बी से, क्योंकि ये सेंट्रल एंगल होते हैं इसे डबल है, तो उसके साथ ये जो जो कि मैंने फर्स्ट थ्योरम में किया था वही इधर कर दिया। फिर इसके सामने मैं लिख सकता हूँ ये फर्स्ट थ्योरम की बातें हैं, फर्स्ट थ्योरम, या यहाँ पे सामने लिख दिए फर्स्ट थ्योरम की बातें हैं, फर्स्ट थ्योरम में भी यही किया था बाय फर्स्ट थ्योरम, भाई फर्स्ट थ्योरम में हमने यही प्रूव किया था ने कि ये एंगल सेंट्रल एंगल डबल होता है सर्कम एंगल से, ये एंगल डबल होता है सर्कम एंगल जितने मर्जी बना लें डबल ही होगा ये। तो इसके सामने मैं लिख देता हूँ ये तो फर्स्ट थ्योरम की सारी बातें हैं, जो ये नहीं लिखना चाहता वो ये लिखते हैं सेंट्रल एंगल जो है डबल होता है देन सर्कम एंगल से, इन दोनों के सामने। अभी तक मैंने प्रूफ में क्या किया है, एक सेंट्रल एंगल की बात की कंस्ट्रक्शन में थी, एक सर्कम एंगल की गिवन में बात थी, फिर मैंने कहा सेंट्रल एंगल ये सर्कम एंगल से भी डबल है, इस सर्कम एंगल से भी क्या डबल है, ये फर्स्ट थ्योरम की बातें थी, ठीक है ये फर्स्ट थ्योरम की बातें थी। यहाँ पे ये देखें, हमने ये मैथ का रूल है, अगर लेफ्ट साइड इक्वल हो, दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है, अगर मैं इसे इक्वेशन वन कहता हूँ, इसे इक्वेशन टू कहता हूँ, इसे आप कंपेयर करते हैं, कंपेयर का मतलब है ये इस तरह कंपेयर करना, अगर लेफ्ट साइड इक्वल हो उनकी यकीन राइट साइड भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ये मैथ का रूल है ना, लेफ्ट साइड इक्वल हो तो मैथ कहते हैं कि उनकी राइट साइड भी इक्वल आप लिख सकते हैं, इनकी राइट साइड भी आप क्या कर सकते हैं इक्वल। तो ये किस किस इक्वेशन को यूज़ किया है ये कंपेयर करने के लिए, उधर रीजन में लिख दें इक्वेशन वन को और टू को, टू टू के साथ कैंसिल, टू टू के साथ कैंसिल, ये आपके पास आंसर आ रहा है एंगल ए सी बी, एक एंगल आ रहा है ए डी बी, ये क्या है ए सी बी, ए सी बी, एक ए डी बी, ये हम कह रहे हैं ये इक्वल है, ये तो सर्कम एंगल आ रहे हैं, यही हमने प्रूफ करना था कि एक ही सेगमेंट के ऊपर बनने वाले जो जाविये हैं वो आपस में बराबर होते हैं, तो वो सर्कम एंगल हमने प्रूफ कर दिए, टू एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब दोनों सर्कम एंगल आपस में इक्वल है। तो उम्मीद है इस थ्योरम में कोई मसला नहीं होगा, अगर फिर भी कोई मसला हो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।